नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। बता दें, हावड़ा से चेन्नई की ओर चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार की शाम बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद स्लीपर के 3 कोच छोड़कर बाकी के डब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन डब्बों की संख्या 18 बताई जा रही है। हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बता दें, मृतकों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासोर जिले में हुई घटना पर अपनी दुख व्यक्त की। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। About this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living. And I'll be there on the spot tomorrow morning. Been casualties, but then since all are busy in rescue, we have not yet counted the number, so I can't officially confirm exact number. But yes, such a violent and tragic accident involving 3 trains, 2 passenger trains and goods train, where 7 bogies of Superfast Coromandel Express has been involved in this accident. So yes, we cannot rule out fatalities. Anyway, we are only praying God that it should be minimum, and throughout the night we will work to ameliorate the situation. Thank you. Thank you. Thank you.